Oh. اشهد ان لا اله الا الله اشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله इस वायद का तर्जुमा है और जब मेरे बंदे उस मेरे मतलब सवाल करें तो यकीन मैं करीब हूँ मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब वह मुझे पुकारता है बस चाहिए कि वो भी मेरी बात पर लब्बे कहें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वह हदायत पाएँ अल्लाह ताला के फजर से रमज़ान के महीने से हम गुज़र रहे हैं ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है अल्लाह ताला ने इस महीने में ख़ास रहमत से दुआओं को कबूल करने का ऐलान फरमा दिया है अपने फैज़ ख़ास का चश्मा जारी फरमा दिया है क्योंकि इसमें इंसान अपना हर फ़ेल खुदा ताला की ऱा के असूल के लिए करता है हती के खाना पीना भी अल्लाह ताला के हुक्म से और एक मुकर्रर वक्त में करता है इसलिए अद रसल रसलू ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत के दरवाज़े इस महीने में खोल दिए जाते हैं और दो दुख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं इस महीने में शैतान को जकड़ दिया जाता है बस ये हमारी खुशकिसमती है कि अल्लाह ताला ऐसे सामान हमारे लिए मुहैया फरमा देता है जिसमें हम अल्लाह ताला का पानी का सामान कर सकते हैं ये हमारी बदकिसमती होगी कि ऐसे हालात अल्लाह ताला की तरफ से मुयसर आने के बाद भी हम इससे फैज़ ना पा सकें क्या दुनिया में रमज़ान के महीने में जानी डाकू चोर फासक फाजर अपने काम नहीं करते करते हैं और यकीन करते हैं अगर हर एक का शैतान जकड़ दिया जाए तो फिर वो ये शैतानी काम क्यों करें ये नसीहत है मोमनों को उन लोगों को जो अल्लाह ताला तुर् पाना चाहते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में इसलिए कि तुम अल्लाह फरमाता है कि मेरे कहने से अपने आप को जायज़ काम से भी रोक रहे हो मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि आम हालात में जो शैतान को खुली छुट्टी है जैसा कि उसने मदद मांगी थी अल्लाह कि दाएँ बाएँ आगे पीछे से इंसान पर हमला करे और और उसे कर अपने पीछे चलाए उसे आज मैंने उन लोगों के लिए जकड़ कर बांध दिया है या रमज़ान के महीने में उसे बांध दिया है और उन लोगों को मुकम्मल अपनी हिफाजत हिसार में ले लिया है जो मेरी खातर रोज़ा रख रहे हैं अपने खाने पीने के को कम कर रहे हैं अपनी रूहानियत में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि हजम सलाम ने फरमाया है कि मादी खुराक को कम करके रूहानी खुराक में इजाफा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं और यही रमज़ान की रूह है रोज़े की रूह है अल्लाह ताला ऐसे लोगों की शैतान को मुकम्मल तौर पर जकड़ देता है और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि रोज़ेदार की ज़दा मैं खुद हो जाता हूँ कितनी बड़ी खुशखबरी है बस हमें इससे फैस पाने की कोशिश करनी चाहिए और जन्नत के दरवाज़े जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोले हैं उनमें हर दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए यह ना हो कि हम अल्लाह ताला की इस बात के नीचे आने वाले बन जाएँ जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे तुम्हारे भूखा प्यासा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं है अगर तुमने सुबह शहरी खा ली और शाम को अफतारी खा ली और रात और दिन में जो नेकियां करने की तुमसे तोकू की जाती थी वो न की, तो ये भूखा प्यासा रहना सारा दिन कुछ खाना पीना ना करना ना तुम्हें कुछ फ़ायदा देगा ना अल्लाह ताला को तुम्हारे इस भूखा प्यासे रहने से कोई भरसा ये पैगाम हमें आ वसल्लम की तरफ से के जरिए से मिला बस हमें इस रूह को समझने और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में गुजारने की ज़रूरत है जो रमजान का मकसद है ये आयत जो मैंने तलावत की है ये रमज़ान की फर्जियत और अहकाम और रोज़ों की अहमियत के बारे में बयान की जाने वाली आयत के बीच में आने वाली आयत है और इस आयत में अल्लाह दुआओं की कबूलियत के तरीक़ या किन लोगों की दुआ कबूल होती है उनके बारे में बयान फरमा रहा है उन लोगों के बारे में बयान फरमा रहा है जो रहमान हैं रहमान बनना चाहते हैं शैतान के चंगल से निकलना चाहते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत के नज़ारे देखना चाहते हैं अल्लाह ताला ने शुरू ही इस तरह फरमाया कि जब मेरे बंदे ए रसूल तो इससे सवाल करें और पूछें कि हमारा खुदा कहाँ है एक आशिक की तरह बेचैन होकर सवाल करें अल्लाह ताला को पाने के लिए हर कोशिश करने का बेचैनी से इजहार करें तो अल्लाह ताला फरमाता है उनसे कह दो घबराओ नहीं तुम्हारे करीब ही हूँ मैं बस पहली बात यह शर्त तो अल्लाह ताला ने अपने पाने के लिए अल्लाह ताला का बंदा बनने की लगा दी अगर इंसान ख़ुदा ताला का बंदा बनने का हकदा करने वाला बन जाए तो फिर अल्लाह तारता है मैं उसकी पुकार भी सुनता हूँ उसके शैतान को जकड़ देता हूँ जब भी शैतान हमला हो मैं मदद के लिए आ जाता हूँ सिर्फ़ साल का एक महीना नहीं जो रमज़ान का महीना है बल्कि हमेशा शैतान के हमले से बचाऊंगा ऐसे शख़्स को बशर्ते के मेरी बंदगी का हक़ अदा करो मेरे हुक्मों को मुस्तकिल मानो सिर्फ़ रमज़ान के महीने में ही देखिया ना बजाय लाओ बल्कि हकूकल्ला और हकूक इबाद के हक़ अदा करो पुराने क्रीम की तालीम पर अमल करो अपने ईमान को पुख्ता करो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी तमाम सिफ़ात पर कामिल यकीन और ईमान रखो फिर देखो किस तरह कबूलियत दुआ के नज़ारे भी तुम देखते हो और अपनी ज़िंदगी ज़िंदगियों को इस तरह ढालने वाले ही हकीकी रिश्त और हदायत पाने वाले हैं बस खुशकस्मत हैं हमें से वो जो इस रमज़ान को अपनी कबूलीत दुआ का हमेशा ज़रिया बना लें अल्लाह ताला के हकीकी अब्द बनने वाले हों ताला के हुक् पर अमल करने वाले हों अपने ईमान को कामिल करने वाले हों हम खुशकस्मत हैं कि हमें इस ज़माने के इमाम और आ हज़रत सल्लाम के आशिक के सदक मसीह माऊद और महदी मऊद को मानने की अल्लाह ताला ते तोीक़द फ़रमाई जिन्होंने हमें अल्लाह ताला तुर् पाने के रास्ते और दुआ की कबूलियत और तरीके दुआ के रास्ते दिखाए हज़रत नजीम उल्लाम एक मौके पर फरमाते हैं अल्लाह जला शाहनू ने जो दरवाज़ा अपनी मखलूक की भलाई के लिए खोला है वो एक ही है यानी दुआ जब कुछ शख्स बकाव जारी से इस दरवाज़े में दाखिल होता है तो वो मौला करीम उसको पाकिजगी और तहारत की चादर पहना देता है और अपनी अजमत का गलबा उस पर इस क़दर कर देता है कि बेजा कामों और नाकार हरकतों से वो कोसों भाग जाता है फिर इस, इस बात की वजहत करते हुए कि कबूलीत दुआ के लिए कैसी हालत पैदा करने की ज़रूरत है क्या लवाजमात हैं जो कबूलीत दुआ के लिए ज़रूरी हैं अल्लाह का अब बनने के लिए ज़रूरी है फरमाते हैं कि ये सच्ची बात है कि जो शख़्स अमाल से काम नहीं लेता वो दुआ नहीं करता बल्कि खुदाए ताला की आज़माइश करता है इसलिए दुआ करने से पहले अपनी तमाम ताकतों को ख़र्च करना ज़रूरी है और यही मानी इस दुआ ए दिन मुस्तकीम के हैं फरमाया पहले लाजम है कि इंसान अपने एतकाद अमाल में नज़र करे अपने एतक़ाद पर अपने अमाल पर नज़र करे क्योंकि खुदा ताला की आदत है कि इस्लाह या इस्लाह इसबाब के पाए में होती है वो कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा कर देता है कि जो इस्लाह का मूजब हो जाता है वो लोग उस मुकाम पर ज़रा गौर करें इस मुक़ाम पर ज़रा गौर करें जो ये कहते हैं कि जब दुआ हुई तो उसबाब क्या इसबाब की क्या ज़रूरत है दुआ कर ली उससे अमल की ज़रूरत कोई नहीं सामानों की ज़रूरत कोई नहीं कोशिश की ज़रूरत कोई नहीं तो फरमाते हैं कि वो नादान सोचे हैं कि दुआ बजाय ख़ुद एक मुफ़ी सबब है जो दूसरे उसबाब को पैदा कर देता है दुआ तो ख़ुद एक सबब है छुपा हुआ सबब है वजह बनती है दूसरे सबब को इसबाब को पैदा करने की बस कबूलियत दुआ के लिए अल्लाह ताला का अब्द बनने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान कोशिश करके अल्लाह ताला से एक तो उसका फजल मांगे और फ़ल ये है कि बुकाव जारी करके उसके बंदों में शामिल हो और उसके लिए कोशिश करे ये दुआ करे कि मुझे अपने बंदों में शामिल कर ले उन बंदों में जो एतकाद और अमाल के लिहाज से अल्लाह ताला के खालिस बंदे हैं वो दुआ करने से पहले अपने अमल को भी खुदा ताली की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करे और उन बंदों में शामिल हो जिनके ईमान गैर मुतज़लजल जल हैं मुपक् और मज़बूत हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला में ये ताकत है कि वो मिट्टी के ज़रूर को भी सोना बना सकता है वो ये ताक़त रखता है कि इंतहाई बिगड़े हुओं को भी अपने इबाद में शामिल कर ले, उनको अपने रास्ते दिखाए और फिर वो खुदा तला की तरफ़ चलने वाले रास्तों पर ही चलने वाले बन जाए इस मज़मून को भी अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया है कि मेरे रास्ते पर चलने के लिए जिहाद करने वालों को मैं अपना रास्ता दिखाता हूँ जैसा कि अल्लाह फ़रमाता है वल्ल जीना फीना ना ल ना हूँ सो बोलाना यानी वो लोग जो हमसे मिलने की कोशिश करते हैं हम ज़रूर उनको अपने रास्ते दिखाते हैं बस ये रमज़ान का महीना ख़ास तौर पर इस जिहाद का महीना है इसमें हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए एक जिहाद करना चाहिए कि हम खुदा ताली के उन बंदों में शामिल हो जाएं, जो अल्लाह बाद में शामिल है उन लोगों में शामिल हो जाएँ जिनको अल्लाह त जिनके अल्लाह ताला करीब है उन लोगों में शामिल हो जाएं, जिनकी दुआएँ ताला सुनता है उन लोगों में शामिल हो जाएं, जो अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने वाले लोग हैं उन लोगों में शामिल हो जाएं, जिनको अल्लाह ताला की तमाम सिफात पर कामिल ईमान और यकीन है उन लोगों में शामिल हो जाएं जो हकीकी हदायत याफ़्त है उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनका शैतान हमेशा के लिए जकड़ा जाता है लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला के फरमान से ज़ाहिर है इसके लिए पहले हमें जिहाद की ज़रूरत है अपनी हालतों को अल्लाह ताला की तज़ा के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है इस बारे में हजरत मसीम ने मख्तलि मौक़े पर हमारी रहनुमाई फरमाई मुख्तफ अजावियों से रहनुमाई फरमाई एक जगह आफरमाते हैं भला ये क्यों कर हो सके कि जो शख्स नहायत लापरवाही से सुस्ती कर रहा है वो ऐसा ही खुदा के फैस से मुस्तवीज़ हो जाए जैसे वो शख्स की जो तमाम अकल और तमाम जोर और तमाम अखलात से उसको ढूंढता है इसी की तरफ एक दूसरे मुकाम में भी अल्लाह इशारा फरमाया है और वह यह है कि वल्ल जीना जाहीना ल नादयू सो बोलना सो बोलना यानी जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनको भी ज़रूर अपनी राहें दिखला दिया करते हैं बस वाज फरमा दिया कि लापरवाही और सुस्ती दिखाने वाले के लिए मुमकिन नहीं कि खुदा ताला उसको भी उन लोगों में शामिल कर ले जो अपनी तमाम तर ताक़तों और सलाहियतों के साथ खुदा ताला का क्र पाने की कोशिश करते हैं एक जिहाद करते हैं लोग सवाल करते हैं खतों में मुझे लिख देते हैं कि हमने बहुत दुआ की है लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके बस जो ये कहते हैं वो ग़लत है अल्लाह ताला गलत नहीं जिसको इंसान अपनी तरफ़ से बहुत दुआ का मैार समझ रहा होता है हो सकता है अल्लाह ताला के नज़दीक इसमें अभी कमी हो और अभी उसे मज़ीद जिहाद की ज़रूरत हो फिर अपने तरीक़ को भी तरीके दुआ को भी देखने की ज़रूरत है अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि जो शख्स अपनी तमाम अकल और तमाम जोर और तमाम इखलास के साथ उसे ढूंढ रहा है अल्लाह ताला फरमाता है हम उसे भी ज़रूर अपनी राहें दिखला दिया करते हैं बस हमें देखना होगा कि हमने अपनी अकल के मुताबिक अपनी तमाम तरसलाहतों के मुताबिक अल्लाह ताला के इस पर अमल कर लिया है कि फलजस्त जी बोली कि मेरी बात पर लबैक कहें अल्लाह ताला तक पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम ज़ोर इस बात पर लगा दिया है कि अल्लाह ताला की हर बात पर लबैक कहना पूरे अखलास वफा के साथ अल्लाह ताला के तुकमों पर अमल कर रहे हैं अगर नहीं तो फिर हमें शक्वा नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को नहीं सुना बस दुआओं की कबूलियत के लिए भी पहले अपनी हालतों को बदल कर ख़ुदा ताला की तरफ कदम बढ़ाना ज़रूरी है जिहाद करना ज़रूरी है बंदे ने जिहाद की इंतहा क्या करनी है अल्लाह ताला तो अपने बंदे पर इतना मेहरबान है कि उसकी ज़रा सी कोशिश को ही वो उसका जिहाद समझ कर नवाल देता है। इसकी रहमानियत जब हर चीज़ पर हावी हो जाती है तो फिर बंदे का जहाद भी आसान हो जाता है उसको भी आसान कर देती है जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरी तरफ़ एक कदम चल कर आता है तो मैं दो कदम चल के आता हूँ उसकी तरफ़ बढ़ता हूँ जब वो चल कर आ रहा होता है मेरी तरफ़ तेज़ चल के आ रहा होता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूँ बस खुदा तला तो हम पर इतना मेहरबान है लेकिन बात वही है कि अखलास वफाशर्त है ये नहीं कि रमज़ान में तो दावा करें कि हम नमाजें पढ़ेंगे अल्लाह ताला के अहमाम पर अमल करेंगे हकूकला भी अदा करेंगे और हकूक लिबा भी अदा करेंगे और रमज़ान में ये करते भी रहे हैं लेकिन रमज़ान गुज़रने के बाद फिर खुदा तला को और उसके अहकाम को भूल जाएँ दुनियादारी हम पर गालिब हो जाए तो फिर खुदा तौर को शिकवा नहीं होना चाहिए तो खुदा तै तो ये कहता है कि मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ और मैंने तो रमज़ान में अल्लाह ताला को बहुत पुकारा है लेकिन मेरी दुआएं तो नहीं सुनी गई अल्लाह ताला से, तो कोई चीज़ पोचीदा नहीं है हमेशा याद रखना चाहिए उसे यह भी पता है कि इंसान ने अपना अहद वफ़ा निभाने के पहले भी वादे किए और तोड़ दिए और अब ये सिर्फ रमज़ान में ही नेकियों, नेकियों की तरफ तो जो कर रहा है तो फिर ऐसे लोगों से अल्लाह ताला जो चाहे वो सलूक करता लेकिन ये भी है कि बाज दफ़ा ऐसे लोगों को भी ऐसे तो लोगों की भी बाज दुआएँ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है ताकि उन्हें पता चले कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है और उनको अल्लाह ताला की तरफ़ से आ, और उनको अल्लाह ताला की तरफ ही हर वक्त झुके रहना चाहिए बस अल्लाह ताला तो बंदे पर जुल्म नहीं करता वो तो उसे हर वक्त अपने प्यार के आगोश में लेने की कोशिश करता है उसे तो अपने बंदे के अपनी तरफ आने और खालिस होकर उससे उसकी बातें मानने इससे ज़्यादा खुशी होती है जितनी एक माँ को अपने गुमशुदा बच्चे के मिलने की खुशी होती है या जिस तरह एक मुसाफिर को रेगिस्तान में अपने सामान से लदे हुए ऊँटे घुम जाने के बाद उसके मिलने से खुशी होती है बस ये मिसालेंद दे, दे के फरमाया कि अल्लाह ताला को तो इस तरह खुशी होती है बस ये हम ही हैं जो खुदा ताला के हक़ की अदायगी में कोताही करते हैं और फिर शिकवा भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं नहीं सुनी बस हमें इस लिहाज से अपने जायज़े लेने चाहिए ये हद करना चाहिए कि हम इस रमज़ान को ख़ुदा ताला के को पाने का जरिया बनाएँगे उसके हुक्मों पर चलने की भरपूर कोशिश करेंगे जैसे भी हालात हम पर गुज़रें जितना लंबा अरसा भी हमें जहाद करना पड़े अल्लाह ताला के प्यार और कर्ब को हासिल करने के लिए हम ये जहाद करते चले जाएंगे। अपने ईमानों को मज़बूत से मज़बूत तर करने की कोशिश करते चले जाएंगे। अगर ऐसी हालत हम अपने पढ़तारी करने वाले बन जाएं, तो कबूली दुआ के मोजात भी हम देखने वाले होंगे और ये बातें नहीं बल्कि ये मुकाम लोग हासिल करते रहे हैं और करते हैं अब भी शाहजहाज़ मुसिम फरमाते हैं इस आयत को नाजिल हुए तेरह सौ बरस गुज़र गया है और कुछ शक नहीं कि बर्तब मज़मून इस आयत के हर यक जो इस रस्ते में मुजाहिदा करता है करता रहा है वो वादा लनादिया नहुम से हिस्सा मकसूमा लेता रहा है और अब भी लेता है और आइंदा भी लेगा बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि ताला के इस फैज से हिस्सा लेने वाले बने और कभी अपने जिहाद अप अपना जहाद जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए जहाद है जो अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने का जहाद है जो कुरान करीम के सात सौ या ज्यादा हुक्मों पर चलने का जहाद है जो ईमान को कमल करने का जहाद है जो अल्लाह ताला की सिफात को हासिल करने का जहाद है कभी कम ना से होने दें हमारा हर कदम तरक्की की तरफ बढ़ने वाला कदम हो और ये रमज़ान हमारे इस जिहाद का संग मील हो इस मजमून कोसिम इस मजमून के हवाले से के कुछ और इकतबास हवाले पेश करता हूँ ये ऐसा मजमून है कि जिसको बार बार सुनकर समझने की ज़रूरत है और अगर ये हमारी जिंदगियों के हकीकत में जिंदगियों का हकीकत में हिस्सा बन जाए तो एक इनकलाब हम दुनिया में पैदा कर सकते हैं आप फरमाते हैं कि जिस तरह हमारी दुनिया ज़िंदगी में सही नज़र आता है कि हमारे हर फ़ेल हर एक फ़ेल के लिए एक ज़रूरी नतीजा है और वो नतीजा खुदा ताला का फेल है ऐसा ही दीन के मतलब भी यही कानून है जैसा कि खुदा फर इन दोनों इन दो मिसालों में साफ़ फरमाता है कि अदीना जहादुफीना लनादैया न हूँ सुबोलाना फलम अदाग़ अदाकल्ला हो क़लूब हूँ यानी जो लोग इस फ़ेल को बजा लाए कि उन्होंने खुदा तस्तू में पूरी पूरी कोशिश की तो इस फेल के लिए लाजमी तौर पर हमारा ये फेल होगा कि हम उनको अपनी राह दिखा देंगे और जिन लोगों ने कजी अख्तियार की और सीधी राह पर चलना ना चाहा तो हमारा फेल इसकी नस्बत ये होगा कि हम उनके दिलों को कच कर देंगे बस इसको एक और जवाबी से आपने पेश फरमा कि अल्लाह फरमाता है कि अगर हमारे राह को हासिल करने के लिए तुम जो करके हमारा फैस पाते हो तो याद रखो इस बात को भी याद रखो कि इसके मनफी पहलू ही हैं कि मेरी राह पर नहीं चलोगे तो तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाएंगे दुआओं को का कबूल होना तो एक तरफ रहा इसके नतीजे में अल्लाह के रस्ते पर ना चलने के नतीजे में तुम शैतान की गोद में गिर जाओगे और शैतान की गोद में गिरा हुआ इंसान फिर अपनी दुनिया और आकबत दोनों ख़राब करने वाला बन जाता है बस इसद में जहाँ खुशखबरी है वहाँ अल्लाह तला ने दूसरी जगह अंजार भी दे दिया है फिर एक और जगह वजहत फरमाते हुए फरमाते हैं कि इंसान के दिल पर कई किस्म की हालतें वारद होती रहती हैं आखिर खुदा ताला सईद रूहों की कमज़ोरी को दूर करता है और पाकिदगी और नेकी की बतौर मोहब्बत अता फरमाता है फिर इसकी नज़र में वो सब बातें मकरू हो जाती हैं जो खुदा ताला की नज़र में मकरू होती हैं और वो सब राहें प्यारी हो जाती हैं जो खुदा तला को प्यारी होती हैं तब उसको एक ऐसी ताक़त मिलती है जिसके बाद जोफ़ नहीं और एक ऐसा जोश अता होता है जिसके बाद कसल नहीं और ऐसी तकवा दी जाती है कि जिसके बाद मासीत नहीं और रब करीम ऐसा राज़ी हो जाता है जिसके बाद खता नहीं मगर ये नमत देर के बाद अता होती है अव्वल अव्वल इंसान अपनी कमज़ोरीों से बहुत सी ठोकरें खाता और असफल की तरफ गिर जाता है मगर आखिर उसको सादक पाकर कर ताकत बाल खींच लेती है यानि अल्ला की ताकत उसे अपनी तरफ खींचती है इसी की तरफ इशारा है जो अल्लाह अल्लाजल्ला शाह फरमाता है <laughs> <laughs> वल्लाजीना जहादुफ़ीना ल नादई अन् हम सोबोलाना यानी यानि अरबी में या फरमाते हैं कि नब्बे तो हूँ अल तकवा वईमान व नादई अन्ना हम सोबोलल मोहब्बत वलफ़ान वसन वसर फ़ेल ख़ैरात व तरकान यानी हम उनको तकवा और ईमान पर सबित कदम कर देंगे और ज़रूर उन्हें मोहब्बत और मार्फत के रास्तों की हिदायत देंगे और उन्हें नेक अमाल बजा लाने और मासीत को तर्क करने की तोफ़ीक देते रहेंगे जैसा कि मैंने कहा था हजरत नसीम उतम ने वलना जहादुफीना के हवाले से हमें मुख्तलि पराए में फरमाई। और इल्म इरफान के दरवाज़े खोलने इस हवाले से मैं जो बयान हुआ है इंसानी फितरत का नक्शा खींच कर तफसी बयान फरमाई कि इंसान एक हालत पर मुस्तिल कायम नहीं रह सकता उतार चढ़ाव इंसान की तबीयत में आता रहता है लेकिन जो सही फितरत है वो अपनी कमज़ोरी की हालत से भी सबक हासिल करता है तोबा इस्तार करता है अल्लाह ताला के आगे झुकता है और अपनी कमज़ोरी पर शर्मिंदा होकर फिर अल्लाह ताला की तलाश में जहाद के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत जोश में आती है उसकी बख्शिश जोश में आती है और वो अपने बंदे की तरफ दौड़ कर आता है और उसे पाकिजगी और नेकी की कुवत अदा फरमाता है और जब इंसान में अल्लाह ताला के फजल से पाकिजगी और नेकी की कुवत पैदा हो जाती है तो फिर उसका हर फ़ेल खुदा ताली की रज़ा को हासिल करने वाला बन जाता है हर किस्म की कमज़ोरी और सुस्ती से वो पाक हो जाता है वो तकवा पर चलने वाला बन जाता है और गुनाहों से बचाया जाता है अल्लाह ताला की ऐसी रज़ा हासिल करने वाला ऐसा इंसान बन जाता है कि फिर उससे ऐसी ग़लतियाँ सरजर्दी नहीं होती जो खुदा ताला को नाराज़ करने वाली हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, आ, आप ने फरमाया लेकिन याद रखो इस हालत को हासिल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करनी पड़ती है आरजी मेहनत नहीं मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है और फिर ये नेकियाँ और दुआओं की कबूलियत के नजारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं फिर एक जगह फरमाते हैं कि जो हमारी राह में मुजाहिदा करेगा हम उसको अपने राह राहें दिखला देंगे ये तो वादा है फरमाया ये तो वादा है और इधर ये दुआ भी सिखा दी हमें कि ए दिन अस्रात इंसान को चाहिए कि इसको मद्नज़र रख कर नमाज में बेलहा दुआ दुआ करे और तमन्ना रखे कि वो भी उन लोगों में से हो जावे जो तरक्की और बसीरत हासिल कर चुके हैं ऐसा ना हो कि इस जहान से बेबसीर अंदर उठाया जाए बस इस मुकाम को हासिल करने के लिए जहाँ अल्लाह अपने बंदे को अपने रास्ते की तरफ हदायत देता है ये दुआ भी ज़रूरी है और फातिहा पढ़ते वक्त बार बार पढ़नी चाहिए कि इदिन सरमस्तक का ध्यान के उनका किसी ने एक वाक़ बयान किया हुआ है किसी बुज़ुर्ग की कैसी हालत होती थी नमाज पढ़ते हुए वो बयान करने वाले कहते हैं कि हजरत तो वसीम के एक साहब ही एक मस्जिद मुबारक के कोने में खड़े थे नमाज पढ़ रहे थे बड़ी खुशियत तारी थी रिक्क़त तारी थी और बड़ी देर तक खड़े हैं हाथ बांध के कहते हैं मुझे तजस तो पैदा हुआ जाके देखूं क्योंकि हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी कि क्या पढ़ रहे हैं तो बार बार वो मुस्तकीम और मुस्तकीम को दोहराते चले जा रहे थे और रिक्कत आ रही हुई थी तो ये वो दुआ है जो इंसान को अपनी हदायत के लिए बहुत पढ़नी चाहिए फिर हज़रत तक दस मसीम इस्लाम फरमाते हैं का यह सच्चा वादा है कि जो शख्सत के दिल और नियति के साथ उसकी राह की तलाश करते हैं वो उन पर हदायत और मार्शत की राहें खोल देता है जैसा कि उसने खुद फरमाया है वल्लना जहादी ना लाना दया ना यानी जो लोग हम में से होकर मुजाहिदा करते हैं हम उन पर अपनी राहें खोल देते हैं हम में से होकर से ये मुराद है कि महज इखलास और नेकनीति की बिना पर खुदा जोई अपना मकसद रख कर लेकिन ये मुजाह करते हैं फिर खुदा कोई हमने पाना है वो खास मकसद दुनियादारी का मकसद नहीं होता असल चीज़ खुदा का मकसद है अखलास के साथ खुदा को पाना मकसद है लेकिन फरमाया कि लेकिन अगर कोई इसत और ठट्ठे के तरीक़ पर आजमाइश करता है वो बदनसीब और महरूम रह जाता है बस फरमाया बस इसी पाक असूल की बिना पर अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करो और दुआ करते रहो तो वो गफूर रहीम है लेकिन अगर कोई अल्लाह ताला की परवाह नहीं करता तो वो बे भी है तो उस ताला कोई फिर उस अल्लाह ती कोई परवाह नहीं तुम्हारी फिर आप फरमाते हैं जिस कदर कारोबार दुनिया के हैं सब अव्वल सब में अव्वल इंसान को कुछ करना पड़ता है जो भी दुनिया के कारोबार हैं पहले इंसान को कोशिश करनी पड़ती है दुनिया के काम, कामों में भी देख लो तुम यही मिसाल है दुनिया में जब वो हाथ पाँव हिलाता है तो फिर अल्लाह ताला भी बरकत डाल देता है इसी तरह पर खुदा ताला की राह में भी वही लोग कमाल हासिल करते हैं जो मुजाहिदा करते हैं इसलिए फरमाया है वीना जहादीना फीना हदय ना बस कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मुजाहिदा ही कामयाबियों की राह है और जब हम दुनियावी चीज़ों के असूल के लिए अपनी कोशिशों की इंतहा तक पहुँचाने पहुँचाते पहुँचाते हैं और इसके लिए कोशिश करते हैं तो फिर खुदा ताली को पाने के लिए पाने के रास्तों के लिए इंतहाई कोशिश क्यों नहीं करते क्यों हम ये समझते हैं कि हम जरा सा हमने मुँह से कहा और ला तीन हमें मिल जाएगा कि हमारी दुआएं कबूल कर लेगा बस यहाँ फिर वही बात आ गई कि जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती वो पहले अपने जायज़ लें यह नहीं हो सकता कि ताला को पाने के लिए तानसानी हो और दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत के असूल को सामने रखा जाए ये असूल फिर हर जगह चलेगा तस्म के एक जगह जगह इस बात को बयान करते हुए अल्लाह ताला को पाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है फरमाते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं हमारी राह में अंजाम कर रहनुमाई पर पहुंच जाते हैं जिस तरह वो दाना तो खमरेजी का बदूम कोशिश और आपाशी के बेबरकत रहता है रहता बल्कि ख़ुद भी फना हो जाता है इसी तरह तुम भी इस इकरार को हर रोज़ याद ना करोगे और दुआएं ना मांगोगे कि खुदाया हमारी मदद कर तो फ़जल इलाही वारद नहीं होगा और बग़ैर इमदाद इलाही की तब्दीली नाममकिन है बस ये कानूनी कुदरत है अल्लाह त पाने के लिए भी ये ज़रूरी है जिस तरह दाना डाल के एक ज़िम्मेदार बैठा नहीं रहता उसी तरह यहाँ भी इंसान को सिर्फ ये ले कि मैं मान ले आया मैंने मान लिया बैठ जाने से कुछ नहीं होगा बल्कि कोशिश करनी होगी नगेदाश करनी होगी अपने ईमान के पौधों की फिर आप फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा ताली की तरफ रजू करेगा तो अल्लाह ताली भी उसकी तरफ रजू करेगा हाँ ये ज़रूरी है कि जहाँ तक बस चले वो अपनी तरफ से कोताही ना करे फिर जब उसकी कोशिश उसके अपने इंतहाई नुक्ता पर पहुँचेगी तो वो खुदा ताली के नूर को देख लेगा वल्ल दीना जहादूफीना ल ना या ना हूँ सो वलाना मैं फरमाया कि इसमें इसकी तरफ इशारा है कि जो हक कोशिश का उसके ज़िम्मा है उसे बजा लाए ये ना करे कि अगर पानी बीस हाथ नीचे खोदने से निकलता है तो सिर्फ दो हाथ खोद कर हिम्मत हार दे बीस फुट तीस फुट खोदने से पानी निकलता है तो दो चार फुट खोद के बैठ जाए कि पानी नहीं निकला फरमाया के हर एक काम में कामयाबी की यही जड़ है कि हिम्मत ना हारे फिर इस उम्मत के लिए तो अल्लाह ताला का वादा है कि अगर कोई पूरे तौर से दुआ और तज़िया नफ़ से काम लेगा सब वादे कुरान शरीफ़ के उसके साथ पूरे होकर रहेंगे जो हिम्मत के साथ जो पूरे तौर पर दुआ और तज़िया से नफ, तज़िया नफ़ से काम लेगा क़ुरान शरीफ़ के सब वादे पूरे होकर रहेंगे उसके साथ हाँ जो ख़िलाफ़ करेगा वो मरूम रहेगा क्योंकि उसकी ज़ात को यूर है उसने अपनी तरफ़ आने की राह ज़रूर रखी है लेकिन उसके दरवाज़े तंग बनाए हैं पहुँचता वही है दो तलखियों का शरबत पीले हुए मेहनत करनी पड़ती है लोग दुनिया की फिक्र में दर्द बर्दाश्त करते हैं फरमाया कि लोग दुनिया की फिक्र में दर्द बर्दाश्त करते हैं हती के बाद इसी में हलाक हो जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला के लिए एक कांटे की भी दर्द बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते जब तक उसकी तरफ से सिद्क औरब्र और वफ़ादारी के असार ज़ाहिर ना हों जब यानी बंदे की तरफ से सिद्क और सफ, सबर और वफादारी के असार ज़ाहिर ना हों तो उधर से अल्लाह ताला की तरफ से भी रहमत के असार नहीं जाहिर होते तो उधर से रहमत के असार कैसे ज़ाहिर होंगे फिर बस ये उन लोगों के सवाल का जवाब है जो कहते हैं फिर वही बात कि हमने बहुत दुआ की और कबूल नहीं हुई हो या वो खुदा तला को पाबंद कर रहे हैं कि हम आएंगे भी खुदा तला के पास अपनी मर्ज़ी से और जब ज़रूरत होगी उदाएँगे और खुदा तला नावज़बिल्ला हमारा पाबंद है कि हम जो कहें और जैसा चाहें वो हमारी दुआ भी कर लें लेकिन ये बात तो वो दुनिया के कानून और ताल्लुक में भी देखते हैं जैसा कि उन्होंने ने फरमाया ऐसा नहीं होता फिर खुदा तला के मामले में ये तो क्यों है कि जो जिस हम चाहें वो हो जाए और बगैर मेहनत के हो जाए बस यहाँ यही फरमाया कि खालिश होकर अल्लाह ताला की तरफ से आओ तो फिर देखो उसके प्यार के नज़ारे फिर आप फरमाते हैं याद रखना चाहिए कि ईमान बगैर अमाल के ऐसा है जैसे कोई बाग बगैर अनहार के नहरों के बगैर पानी के बगैर कोई बाग हो जो दरख्त लगाया जाता है अगर मालिक उसकी आपाशी की दरअसल तो न करे तो एक दिन खुश हो जाएगा इसी तरह ईमान का हाल है वल्ल दीना फीना, यानी तुम हल्के हल्के काम पर ना रहो बल्कि राह में बड़े बड़े मुजाहिदात की ज़रूरत है नफ्स को बैल शमशाबियत दी गई है बस अल्लाह ताला जो फरमाता है वलों में नूबी, कि मुझे पुकारने वाले मुझ पर ईमान लाएं, तो ईमान ये है कि अल्ला और हकूक लिबाद की अदायगी से अल्लाह ताला पर ईमान का हक़ अदा करें अल्लाह ईमान के बाग की परवरिश और नगदाश्त करने को अपने बंदों को फरमाता है हम देखते हैं अपने घरों में भी पौधों को भी हम अगर बाकायदगी से ना देखें उनका ख्याल ना रखें वो वसूखने लग जाते हैं फिर ईमान के बाग को किस तरह हम बग़ैर नगेदाश्त के, के छोड़ सकते हैं फिर एक और जाविये से मुसलिम इस्लाम इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि हमारे राह के मुजाहिद पावेंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी राह हमारे राह के मुजाहिद रास्ता पावेंगे इसके माने ये हैं कि इसरा में पैम्बर के साथ मिलकर जद्दोजहद करना होगा एक दो घंटे के बाद भाग जाना मुजाहिद का काम नहीं बल्कि जान देने के लिए तैयार रहना उसका काम है सो मतकी की निशानी इस्तेकामत है बस हमने जब अपने अहद बैत में ये हद किया है कि हम दीन को दुनिया पर मुकदम रखेंगे तो फिर इस अहद पर कायम रहने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम ये देखें कि दीन हमसे क्या चाहता है जिसको हमने मुकदम रखना है और फिर इस पर मुस्किन मिजाजी से कायम भी रहना है फिर आप फरमाते हैं जो शख्स महज अल्लाह ताला से डर कर उसकी राह में तलाश को राह उस जो शख्स महज अल्लाह ताला से डर कर उसकी राह की तलाश में कोशिश करता है और उससे इस अमर की गिरा कुशाई के लिए दुआएं करता है तो अल्लाह कानून के मुवाफिक के वल्ला दीना जहादुफीना लना देना सोबो लाना यानी जो लोग हमें होकर कोशिश करते हैं हम अपनी राहें उनको दिखा देते हैं ख़ुद हाथ पकड़ कर राह दिखा देता है और उसे इतमान कल बता करता है और अगर ख़ुद दिल जुलमत कदा और ज़ुबान दुआ दौा से बोझल हो और एहत शर्क व बदत से मुल हो एतक़ाद शुरु व एहत शर्क और बिदत से मुल हो तो वह दुआई क्या है और वो तलब ही क्या है जिस पर नतज हँसना मरतब हों बस हमें अपने जायज़े लेते रहना चाहिए कि हम इस सोच के साथ अल्लाह ताला की राहों की तलाश कर रहे हैं और क्या हमारे दिल गैर अल्लाह से बिल्कुल खाली हो चुके हैं फिर तोबा इस्तार की तरफ तव दिलाते हुए आप फरमाते हैं कि तोबा इस वसूल लल्ला का जरिया है अल्लाह ताला फरमाता है वल्ल न जहादुफीना ल नादया ना हूँ सोबौलाना पूरी से इसकी राह में लगे रहो मंज़िल मकसूद तक पहुँच जाओगे अल्लाह ताला को किसी से बुखल नहीं फरमाया कि वह मूजब तलीम कुरान शरीफ हमें यह अमर यूँ मालूम होता है कि एक तरफ तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ़ में अपने करम रहम लुफ़ और मेहरबानियों के केफ़ात बयान करता है और रहमान होना ज़ाहिर करता है और दूसरी तरफ फरमाता है कि इल्ला मासा और न जहादुफ़ीनाद ना सोबाना फ़रमा कर अपने फ़ैस को सही और मुजाहिदे में मुनहसर फरमाता है नीज़ इसमें सहाबा रज़ी लन का तर्ज़ अमल हमारे वास्ते एक उसवा हसना और उन्दा नमूना है सहाबा की ज़िंदगी में गौर करके देखो भला उन्होंने महज़ मामूली नमाज़ों से ही वो मदारज हासिल कर लिए थे नहीं बल्कि उन्होंने तो खुदा ताला की रज़ा के हसूल के लिए हसूल हसूल के वास्ते अपनी जानों तक तो की परवा नहीं की और भेड़ बकरियों की तरह खुदा की राह में कुर्बान हो गए जब जाकर कहीं उनको ये रुतबा हासिल हुआ था अक्सर लोग हमने ऐसे देखे हैं फरमाते हैं कि अक्सर लोग हमने ऐसे देखे हैं वो यही चाहते हैं कि एक फूंक मार कर उनको वो दर्जात दिला जाएँ और अर्श तक उनकी रसाई हो जाए ये नहीं हो सकता बस अल्लाह ताला तीम करीम भी है बेशक लेकिन साथ ही उसने कामिल ईमान कामिलईमान बनने वालों वाले लोगों के लिए ये शर्त भी लगाई है कि वो उसकी राह में जिहाद करने वाले हों फिर अल्लाह तुनके मकाम उनसे करता चला जाता है सबूली थे दुआ के भी वो नज़ारे देखते हैं और अल्लाह ताला की रहमानियत और रहीत के भी पहले से बढ़कर नज़ारे देखते हैं जो साहबा ने देखे और खुदा ताली की मोहब्बत में ऐसे डूबे वो लोग जिसकी मिसाल नहीं अगर अल्लाह ताला की राह में मारे भी गए तो फिर वो जन्नतों और अल्लाह ताली की रजा की खुशी खुश खुशखबरी पाने वाले भी बन गए फरमाते हैं जो लोग खुदा तला में होकर खुदा के पाने के वास्ते तड़प और गुदाश से कोशिश करते हैं उनकी मेहनत और कोशिश ज़ाया नहीं जाती और ज़रूर उनकी राहबरी और हदायत की जाती है जो कोई शद और अखलूसनीत से खुदा की तरफ कदम उठाता है खुदा उसकी तरफ रहनमाई के लिए के वास्ते बढ़ता है इंसान का फ़र्ज़ है कि तदब्बर तो करे और हक तलमी की सच्ची तड़प और प्यास अपने अंदर पैदा करे मालूम के वसी करने की जबील अल्लाह तला ने बताई है उन पर कारबंद हो खुदा भी बेनियाज हो जाता है उस शख़्स से जो खुदा से लापरवाही करता है फिर फ़र्मानाते हैं कि अपने नफ्स की तब्दीली के वास्ते सही करो कोशिश करो नमाज नमाज में दुआएँ मांगो सदक़ात खैराज से और दूसरे हर तरह के हीले से वल्लीना जहादुफीना में शामिल हो जाओ जिस तरह बीमार तबीब के पास जाता दवाई खाता मुसल लेता खून निकलवाता टकोर करवाता और शिफा हासिल करने के वास्ते हर तरह की तदबीर करता है इसी तरह अपनी रूहानी बीमारियों को दूर करने के वास्ते हर तरह की कोशिश करो सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि मुजाह के जिस कदर तरीक हैं खुदा तला ने फरमाए हैं वो सब बजा लाओ बस वो ये वो तरीक़ है जिससे अल्लाह ताला के पाने के रास्ते खुलते तो जाते हैं और फिर दुआओं की तरफ़ तो जो भी दिलाते हैं आप फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि इस ज़िंदगी को इस कदर कभी ख़याल करे कि इससे निकलने के लिए कोशिश करे इस ज़िंदगी को सब कुछ ना समझो बल्कि यहाँ से ये तो ज़िंदगी आर्जी और गंदी ज़िंदगी समझो दुनिया दुनियादारी जो है और दुआ से काम ले क्योंकि जब वो हक हक तदबीर अदा करता है और फिर सच्ची दुआओं से काम लेता है तो आखिर अल्लाह ताला उसको निजात दे देता है और वह गुनाह की ज़िंदगी से निकल आता है क्योंकि दुआ भी कोई मामूली चीज़ नहीं है बल्कि वो भी एक मौत ही है जो इस मौत को इंसान जब इस मौत को इंसान कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला, ताला उसकी मुजरमाना ज़िंदगी से जो मौत का मूज है बचा लेता है और उसको एक पाक ज़िंदगी अदा करता है फरमाया बहुत से लोग दुआ को एक मामूली चीज़ समझते हैं सो याद रखना चाहिए कि दुआ यही नहीं कि मामूली तौर पर नमाज़ पढ़ कर हाथ उठा कर बैठ गए और जो कुछ आया मुँह में से कह दिया इस दुआ से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यह दुआ निरी एक मंत्र की तरह होती है ना इसमें दिल शरीक होता है ना अल्लाह ताला की कुदरतों और ताकतों पर कोई ईमान होता है याद रखो दुआ एक मौत है और जैसे मौत के वक्त इसतराब और बेकरारी होती है इसी तरह पर दुआ के लिए भी वैसा ही इसतराब और जोश होना ज़रूरी है इसीलिए दुआ के वास्ते पूरा इसराब और गुजाजिश जब तक ना हो बात नहीं बनती बस चाहिए कि रातों को उठ उठ कर नहायत और जारी और इपतहाल के साथ खुदा ताला के हजूर अपनी मुश्किल को पेश करे और उसको दुआ उसकी और इस दुआ को इस उस हद तक पहुँचावे कि एक मौत की सी सूरत वाक़ हो जाए उस वक्त दुआ कबूलीत के दर्जा तक पहुँचती है फरमाते हैं कि यह भी याद रखो कि सबसे अव्वल और जरूरी दुआ ये है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से पाक साफ करने की दुआ करे सारी दुआओं का असल और जुज यही दुआ है क्योंकि जब ये दुआ कबूल हो जाए और इंसान हर किस्म की गंदगी और आलूगियों से पाक साफ होकर अल्लाह ताल, खुदा तला की नज़र में मुतहर हो जाए तो फिर दूसरी दुआएँ जो उसकी हाजात हजात ज़रूरिया के लिए मतलक होती हैं यानी इंसान की ज़रूरतों को दूसरी दुनियावी ज़रूरतों के लिए हैं उसके होती हैं वो उसको मांगनी भी नहीं पड़ती वो ख़ुद ब खुद कबूल होती चली जाती हैं बड़ी मुशक्क़्त और मेहनत तलब यही दुआ है कि वो गुनाहों से पाक हो जाए सबसे बड़ी दुआ यही है कि इंसान अपनी दुआ करेगा गुनाहों से पाक हो जाए और खुदा ताली की नज़र में मुतकी और रास्त बास ठहर जाए यानी अव्वल अव्वल जो हिजाब इंसान के दिल पर होते हैं उनका दूर होना ज़रूरी है जब वो दूर हो गए तो दूसरे हिजाबों के दूर करने के वास्ते इस कदर मेहनत और मशक्क़त करनी ही ना करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि खुदा ताली का फ़जल उसके शामिल हाल होकर हज़ारों खराबियाँ ख़ुद ब खुद दूर होने लगे लगती हैं और जब अंदर पाकिजगी और तहारत पैदा होती है और अल्लाह ताला से सच्चा ताल्लुक़ पैदा हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उसका मुतकफल और मुतवली हो जाता है और उससे इस इससे पहले कि वो अल्लाह ताला से अपनी किसी हाजत को मांगे अल्लाह ताला ख़ुद उसको पूरा कर देता है ये एक बारीक सिर है जो उस वक्त खुलता है बड़ा बारीक राज है ये जो उस वक्त खुलता है ये राज जब इंसान इस मुकाम पर पहुँचता है इससे पहले उसकी समझ में आना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये एक अजीम शान मुजाहिदे का काम है क्योंकि दुआ भी एक मुजाहिदे को चाहती है जो शख़्स दुआ से लापरवाही करता है और उससे दूर रहता है अल्लाह ताला भी उसकी परवाह नहीं करता और उससे दूर हो जाता है जल्दी और शताबकारी यहाँ काम नहीं देती खुदा ताला अपने व करम से जो चाहे अता करे और जब चाहे अनायत फरमाए साइल का, का काम नहीं है कि वो फिल्फ अता ना किए जाने पर शिकायत करे और बदनी करे बल्कि इस्तलाल औरब्र से मांगता चला जाए अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तोफ़ीकता फरमाए और इस रमज़ान को हमारे लिए तुख्ता ताल्लुक जोड़ने वाला बना दे उसकी बातों पर अमल करने वाला बना दे इस पर काम ईमान लाने वाला बना दे कबूली दुआ के नज़ारे हमें देखने वाला बना दे और यह हालत हमेशा कायम रहने वाली हो रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी हम अल्लाह ताला का खालिस अब्द बनने का किरदार अदा करने वाले हों अल्लाह ताला हमें अपने ऐसे रास्ते दिखाए जिनसे हम कभी भटकने वाले ना हों और हमेशा इसकी प्यार की नज़र हम पर पड़ी रहे हम जमाने के इमाम की बैत का हक़ अदा करने वाले हों अल्लाह ताला के इस इनाम को याद को पाकर कभी इससे महरूम रहने वाले ना बने जो उसमें अल्लाह ताला ने हमें यह नाम जो दिया है ज़माने के इमाम को मानने का अल्लाह हमारे मुखालफन और दुश्मनों के शर से हमेशा हमें महफूज रखे हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हुए दुश्मनों के शर उन पर उल्टाए जमात की तरक्की के समान हमेशा हम पैदा फरमाता रहे बस इस रमज़ान को अपनी मकबूल दुआओं का जरिया बना लें अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक तो अता फ़रमाए दुनिया के हालात के लिए भी दुआएं करें अल्लाह ताला दुनिया को दबाकारी से बचाए और उनको अकल दे के अपने पैदा करने वाले ख़ुदा को पहचानने वाले हों। होंज़ जुमा के बाद मैं इसके एम टी की एक साइट का भी अजरा करूँगा जो एम टी इंटरनेशनल ने वेबसाइट बनाई है मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है इसकी जिसमें तीन सौ तेरह बदरी साहबा रज़ी के मतलब मेरे खुतबात जुमा को एक जगह जमा किया गया है इस वेबसाइट पर अहबाब ये खुतबात जुमा देखने के साथ साथ बदरी साहबा के मतलब बनाई गई प्रोफाइल्स पढ़ सकते हैं और जहाँ तक किसी ने मुशाह और मुताया किया हुआ हुआ होगा उसको बुकमार्क भी कर सकते हैं इसके अलावा हर साहबी के मतलब सवाल व जवाब का एक कोइज़ मौजूद है वेबसाइट पर मुतलका मुफी नक्शे भी देखे जा सकते हैं नामों और मुश्किल अल्फाज का भी तलफ़ भी सुना जा सकता है अब तक ये अपलोड की गई मालूम के अलावा आइंदा आने वाली नई मालूम और वीडियोज़ भी हर हफ्ते जारी की जाएंगी इसमें वेबसाइट का जो पता है वो ये है कि डब्ल्यू 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 डॉट थ्री वन थ्री कम्पेनियंस डॉट और जैसा कि मैंने कहा कि नमाज के बाद इसका जरा होगा اللہ تعالیٰ اس کو بھی لوگوں کے لئے فائدہ کا مجھے بنائے الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر